दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता आ रहा है। मैं सबसे पहले आपका बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। यह चर्चा शायद मुश्किल से आपको सुनने को मिली होगी या देखने को मिली होगी। ये एकदम हो सकता है किसी ने देखा हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आम तौर पर ये जो ज्योतिष विश्लेषण जो आज करने में जा रहा हूं, आम आदमियों ने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। हो सकता है सुना हो, उसको पुनरावृत्ति हो जाएगी, ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। दर्शकों, आज के वीडियो में हम विचार करने जा रहे हैं कि एक ही परिवार में अगर एक ही नक्षत्र में संतान पैदा होती है, पिता या पुत्र का एक नक्षत्र होने दो, माता या पुत्र का एक नक्षत्र होने दो, पिता पुत्री या माता पुत्री कुछ भी हो, यानी पिता संतान या माता संतान का दोनों का एक नक्षत्र होने दो, और दोनों भाई बहन का एक नक्षत्र होने दो, इसको बोला जाता है एक नक्षत्र दोष। यह बड़ा प्रभावी होता है। ऐसे परिवार में समृद्धि रुक जाती है और इसको पैतृक अभिशाप माना गया है। एक ही घर में, एक ही औलाद में अगर एक नक्षत्र में पैदा होता है, या पिता पुत्र के नक्षत्र में हो, या दोनों बहन भाई का हो, या माता का पुत्र संतान का हो, तो इसको पैतृक अभिशाप माना गया है। इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता और हम आम तौर पर इसकी अवहेलना कर देते, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते और यह गंभीर प्रणाम सामने दे देता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा के लिए प्रस्तुत है एक जातक की कुंडली जिसका जन्म 22 मार्च 1998 नक्षत्र पूर्व साढ़ा चरण दो रविवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लग्न उदय हुआ। मिथुन लग्न के 13 डिग्री 12 अंश है और तृतीय भाव में राहु सिंह राशि में 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में चंद्रमा 19 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो वहीं पर अष्टम भाव में शुक्र है और नवम भाव में गुरु और केतु 15 डिग्री लेकर के 17 अंश लेकर के विराजमान है। सूर्य 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध 25 डिग्री लेकर के 41 मिनट विराजमान है। शनि 26 डिग्री लेकर के ये विराजमान है। ऐसी ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, यह मैंने आपको मिथुन लग्न की कुंडली का आपको विश्लेषण दिया। इसके साथ साथ मैं मिथुन लग्न में जो जातक पैदा होता है वह जातक बुद्धिमान तो माना जाता है, वाणी का कारक होता है, विद्या व्यसनी होता है, और ऐसे जातक परिश्रम के अनुपात में लाभ की प्राप्ति कम करते हैं। लग्नेश दशम भाव में है, नीच राजयोग बना रहा है, माता पिता का भक्त होगा, देव के प्रति श्रद्धा होगी, समाज में ख्याति मिलेगी, राजपक्ष में जाप मिलता है, अच्छे बुरे का विचार करने वाला होता है, समझदार होता है और सभी भोगों का सुख भोगता है। उसे लगने सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता भूमि मकान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम सूर्य की। दर्शकों, सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, तृतीय भाव में राहु है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी दशम भाव में है। सूर्य राज सत्ता का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है और सूर्य राज सत्ता है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा है, परंतु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी दशम भाव में है। सूर्य व्यवसाय में तो प्रतिष्ठा देगा, सम्मान देगा, लेकिन पिता के सुख में हानि का योग बनेगा, और पैर घुटनों में तकलीफ आएगी। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा स्त्री पक्ष में सुख साधनों में रुकावट के बाद सफलता होगी, कुछ परेशानी आएगी, रुकावट के बाद सफलता होगी। ऐसे जातक का विवाह हो जाने के बाद अच्छी उन्नति होगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, धन के वृद्धि के योग मिलेंगे और विवाह से पहले थोड़ी परेशानी रहेगी। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल
पुण्य एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। मिथुन लग्न में अकेला मंगल परम पापी हो जाता है, क्यों? छठा भाव से छठा, ये दोनों अशुभ स्थान बताए गए हैं, परंतु दशम भाव में है। मंगल दिग्बली है, दशम भाव दक्षिण भाव माना जाता है, सूर्य दशम भाव में बली होता है, मंगल भी दशम भाव में बली होता है, अस्त है, परंतु फिर भी अंश अच्छे लेके बन रहा होगा, थोड़ा सा प्रभाव देगा परंतु हानि रही देगा, फिर भी व्यवसाय में शुभ रहेगा और पिता के पक्ष में अशुभता का कारण होगा। और यहां मंगल अस्त है तो ऐसे जातक के विचार थोड़े से कुटुंब में कलह के भी कारण बनेंगे, इसकी विचारधारा अच्छी नहीं होगी, वाणी में इसमें समस्या आएगी। तो ऐसा इसको है कि भाई मंगल अस्त होने की वजह से यहां पर इस प्रकार के प्रभाव दे सकता है। बात करते हैं बुध, बुध लगने से बुध का मैंने आपको पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु दो केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। नवम भाव अच्छा भाव माना जाता है परंतु पाप ग्रह की राशि है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, हरिवंश पुराण ये कहते हैं कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में होता है और संतान में सुख देने में असमर्थ होता है तो कहीं ना कहीं पूर्वजों और पितरों का श्राप होता है, उसके लिए श्राप से राहत लेने के लिए नारायण बलि या उपाय कर लेने से ही बात बनेगी। अब बात करते हैं गुरु सप्तम भाव का स्वामी है नवम भाव में, गुरु दशम भाव का स्वामी नवम भाव में। राहु की सप्तम दृष्टि गुरु को पीड़ित हो रही है, गुरु के साथ केतु है और गुरु और केतु का चांडाल योग बन रहा है, गुरु पीड़ित है तो प्रभाव कहां से देगा। सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, उसमें परेशानी आई। दशम भाव पिता के सुख का भाव है, पिता के सुख में परेशानी आई तो गुरु प्रभाव देने में सक्षम है और गुरु और केतु का चांडाल योग बन रहा है, इसलिए प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। गुरु की नवदृष्टि संतान भाव पर आती है, जब पीड़ित है गुरु तो कैसे संतान देगा। शिक्षा में भी ऐसे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु की पंचम दृष्टि लगन भाव पर है, जब गुरु पीड़ित है तो कैसे ऊंचा उठाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर, एक पीड़ित गुरु क्या प्रभाव देगा ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु खुद भी गुरु और केतु के चांडाल योग में फंस गया है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और मकर राशि में 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। व्यय अधिक होगा, व्यय के कारण सदा परेशानी रहेगी, परिवार में अनबन होगी। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन की परेशानी आएगी, जातक को धन की परेशानी आएगी, खर्चा अधिक होगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि अष्टम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, दशम भाव में काल पुरुष की राशि में शनि दशम भाव का स्वामी बनता है। पिता के सुख में कमी तो देगा क्योंकि अष्टमेश है, और पिता के सुख में कमी तो देगा परंतु राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ देगा। ऐसा बालक स्वार्थ साधक होता है, धर्म का पालन में उसकी रुचि कम बनती है, खर्च अधिक करता है, माता भूमि स्थान का सुख उत्सव अच्छा मिलता है। दशम दृष्टि से शनि सप्तम भाव को देख रहा है तो सप्तम भाव के सुखों में कमी आती है और चंद्रमा पर भी शनि का प्रभाव है, यानी चंद्रमा और सप्तम भाव दोनों शनि से पीड़ित है, यहां पर भी विष योग बन रहा है, विवाह में परेशानी और मानसिक बल कमजोर बन रहा है, धन की हानि बन रही है। शनि तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक देगा, सप्तम दृष्टि देगा माता भूमि मकान में उसको अच्छा फायदा देगा, परंतु दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है जीवन साथी से संबंध में सुखों में परेशानी आएगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीर्थ भाव में है, सूर्य की राशि में है। मैंने पहले ही बता दिया कि सूर्य राहु अधिष्ठासी स्वामी के पिता को के सुख में दिक्कत वाली बात हो रही है। प्राक्रम भाव में है, भाई बहन के संबंध में परेशानी आएगी, धैर्यवान तो होगा फिर भी पंचम दृष्टि राहु की सप्तम भाव पर है। राहु से चंद्रमा भी पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित है, और नवम दृष्टि नवम भाव पर है,
और गुरु पर है। गुरु भी पीड़ित है, नवम भाव भी पीड़ित है, भाग्य की भी हानि होगी और दाम्पत्य सुख की भी हानि होगी। और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी के पक्ष में भी अच्छा योग नहीं बनेगा, क्यों? मंगल की राशि को देख रहा है, परेशानी वाली बात आएगी। अब बात करते हैं केतु को, केतु नवम भाव में है, नवम भाव में केतु है तो नवम भाव में भाग्य के संबंध में परेशानी आएगी, धर्म का पालन नहीं करेगा। और पंचम दृष्टि लग्न भाव पर होगी, गर्माहट पैदा होगी, और सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होगी, प्राकर्म में कमी तो देगा लेकिन जातक मुंह फट होगा और जातक का आचरण कुछ भाई बंधुओं के साथ में अशुभ आचरण होगा। ये मैंने यहां पर आपको थोड़ा सा योग बताया, हालांकि वीडियो के टाइटल से इसका संबंध नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी बात बता दी। इस जातक को शिक्षा संतान में दिक्कत वाली बात है, दाम्पत्य सुख में दिक्कत है, विवाह प्रतिबंधित रोग है, विवाह में परेशानी आएगी, परंतु इस जातक को शनि यहां पर है, शनि भाग्येश है और बुध लग्नेश है, भाग्येश और बुध की यहां पर अच्छी यूनिटी, ऐसा जातक तकनीकी शिक्षा लेकर के अच्छा नाम कमाएगा, सम्मान भी मिलेगा, अच्छा व्यवसाय भी मिलेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन उसका सफल जीवन होगा, सभी भोग का बात करेगा। अभी बात करते हैं एक नक्षत्र योग जिसका कि मुख्य देश है आज एक नक्षत्र योग का। इससे पहले दर्शकों, इसके बड़े भाई की कुंडली का मैंने विश्लेषण एपिसोड 148 में किया था, उसका नक्षत्र पूर्व साढ़ा चरण 3 है और जातक का नक्षत्र पूर्व साढ़ा चरण 2 है। दोनों का जन्म रविवार को है, छुट्टी वाले दिन दोनों बच्चे पैदा हुए, दोनों का नक्षत्र पूर्व साढ़ा चरण 2 पूर्व साढ़ा चरण 3 है, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं बच्चे। अब आगे चलते हैं, इसका क्या प्रभाव मिलता है? जब एक ही नक्षत्र में पैदा होते हैं तो उसको पैतृक अभिशाप माना जाता है। दर्शकों, 27 नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र ऐसा हो जिसमें कि आपका भाई बहन पैदा हुआ है, या दो भाई पैदा हुए हैं, या माता पुत्र का, या माता पुत्री का, या पिता पुत्र का, दोनों का एक नक्षत्र है, उसकी शांति करा लेना बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पैतृक श्राप है, आगे परिवार में वो समस्याएं पैदा करेगा। इसको एकल नक्षत्र दोष बोला जाता है, शांति करा लेना चाहिए सभी नक्षत्रों का। लेकिन सभी के अलावा कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो कि अति अशुभ माने गए हैं, उनका मैं विवरण आपको यहां स्पेशली देता हूं। पहला है पूर्वशाड़ा। पूर्वशाड़ा नक्षत्र में चरण 1 में है तो माता के लिए कष्ट होगा, कष्ट की कोई परिभाषा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चरण 2 में हो तो पिता के लिए कष्ट होगा, कष्ट की कोई परिभाषा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चरण 3 मामा के लिए अशुभ होगा, कष्ट की कोई परिभाषा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और चरण 4 स्वयं के लिए होगा। अगर दोनों का नक्षत्र पूर्वशाड़ा नक्षत्र है तो ऐसा होगा। आगे, दोनों का अगर हस्त नक्षत्र है, दोनों का जैसा मैंने बताया, पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, माता पुत्री हो, या दोनों भाई हो, सहदर जिसको नक्षत्र भी बोला जाता है, एक ही उदर से पैदा हुए, अगर उनका हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र चरण 1 है तो स्वयं के लिए, चरण 2 है तो माता के लिए, चरण 3 है तो पिता के लिए, चरण 4 है मामा के लिए, अशुभ होगा। अगर कुछ नक्षत्र चरण 1 है तो स्वयं के लिए, 2 है माता के लिए, 3 पिता के लिए, 4 मामा के लिए। ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं, पूर्वशाड़ा, हस्त नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र। इनमें स्पेशली हमारे ज्योतिष आचार्यों का, ज्योतिष विद्वानों का ये विचार रहा है कि 27 नक्षत्र में से ये 3 नक्षत्र अधिक अशुभ माने गए हुए हैं। इनकी हमेशा ध्यान रखना, ध्यान तो बाकी को भी 24 नक्षत्र में से उसी का भी, लेकिन इसमें ज्यादा परेशानी है और इनसे संबंधित जो मैंने रिश्ता बताया है उनकी अकाल मृत्यु होने का खतरा रहता है। आगे चलते हैं, क्या है कुछ अन्य नक्षत्र चरण भी हानिकारक हैं, कुछ अन्य भी हैं इनसे, जैसे उत्तरा फाल्गुनी चरण 1, अश्लेषा चरण 3, चित्रा चरण 4, रेवती चरण 3, कृतिका चरण 2 और 3 चरण। इन चरणों में अगर लड़का पिता के लिए हानिकारक होता है और लड़की हो तो वह माता के लिए हानिकारक होती है। दस को यहां ध्यान दो, अश्लेषा चरण 3, रेवती चरण 3 ये गणमूल नक्षत्र माने गए हैं। साधारण तौर पर कह देते हैं अश्लेषा 3 चरण तो मित्र समान है और रेवती चरण 3 धन का योग है, कोई शांति नहीं कराता। लेकिन अगर ऐसे में हुआ है,
अगर कोई बच्चा और बच्चे का पिता का ऐसा नक्षत्र है, साधारण तौर पर पिता का नहीं, साधारण तौर पर बालक का ऐसा नक्षत्र है तो उसके पिता की हानि होगी। साधारण तौर पर बच्चे का इन नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र चरण है तो उसकी माता के लिए वो हानिकारक होगा और घर में परेशानी का वातावरण होगा। ये एक साधारण दोष बता। आगे और चलते हैं थोड़ा सा दर्शकों, पिता की अकाल मृत्यु का योग, ये नक्षत्र पिता की अकाल मृत्यु भी करा सकते हैं। वो किस तरह से होती है देखिए, पुष्य नक्षत्र हो और करक लगन हो, यहां पर करक लगन हो क्योंकि करक राशि का पुष्प नक्षत्र है, करक लगन हो और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में लगन में ही हो तो ये बात मान के चलिए कि उसके पिता की अकाल मृत्यु होगी। पुष्य नक्षत्र करक लगन, हस्त नक्षत्र कन्या लगन हो, यहां पर कन्या लगन हो, छह राशि कन्या लगन की है, यहां पर कन्या का लगन हो और हस्त नक्षत्र हो, क्योंकि हस्त नक्षत्र और कन्या लगन में यहां पर चंद्रमा भी हस्त नक्षत्र में होगा, चंद्रमा भी हस्त नक्षत्र में होगा तो लगन में ही होगा, तो उसमें भी पिता की अकाल मृत्यु का योग बन जाता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और धनु लगन हो, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो और धनु लगन हो और चंद्रमा लगन में हो तो पिता की अकाल मृत्यु का योग बनता है। इस जातक के बड़े भाई के लगन धनु लगन है और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, बड़े भाई के नक्षत्र के हिसाब से इसके पिता की अकाल मृत्यु का योग बनता है। दूसरी तरफ जातक का छोटे भाई का जन्म पूर्वाषाढ़ चरण दो में है, पूर्वाषाढ़ चरण दो पिता के लिए अशुभ है। अब देखिए फल कैसे घटित होता है, दोनों बच्चे आज तो उम्र काफी हो गई, जब बचपन में ही थे तो इनके पिता की मृत्यु किसी अकाल मृत्यु योग में हो गई, किसी इंसिडेंट में इसके पिताजी इनको छोड़ करके चले गए, तो ये प्रभाव है। हमको पहले पता लग जाता है कुंडली देख करके और किस तरह से होने वाला है। दर्शकों यहीं पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ज्योतिष में अकाल मृत्यु का उपाय है, ज्योतिष में ऐसा बताया गया है, हमारे विद्वानों का ऐसा कथन है कि अगर किसी मृत्यु, अगर मान लिया कोई प्राणी 80 साल की उम्र लेके आया है और 50 साल की आयु में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो बाकी वह अशुभ योनियों में अतृप्त आत्माओं में सफर करेगा। गरुड़ प्राण स्पष्ट बताता है, अब जिस प्राणी की अगर अकाल मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु की व्याख्या बहुत बड़ी है गरुड़ प्राण में, उसके लिए 3-4 वीडियो बन जाएंगे। अकाल मृत्यु जिस प्राणी की हुई है उसका मुक्ति कराने के लिए नारायण बलि से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उसके लिए नारायण बलि कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ताकि उसकी मुक्ति हो। अभी तो चलती बेल है, अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई, इसके पिता की मुक्ति, तो आप ये मानिए ये तो उसके बच्चे हैं, तो इनकी जो औलाद आएगी तो पितृ दोष ना हो करके पितृ शाप आ जाएगा, जैसा कि मैंने आज से 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि ऐसे चीजों में बड़े ध्यान से रहना चाहिए। नक्षत्र दोष के बिल्कुल उसको नकारा नहीं जा सकता, उसकी विधिवत शांति करा लेनी चाहिए और उसका फल मिलता है। अकाल मृत्यु का उपाय है, वास्तविक मृत्यु जो भगवान ने लिखा है नहीं, होता क्या है, होगा तो दर्शकों वो जो भगवान चाहेगा, शायद भगवान को यही मंजूर था तो इनको किसी ने बताया नहीं आज तक, आज तक बताया नहीं। जब भगवान ने कोई शुभ काम करना होता ना किसी तरीके से उनकी बुद्धि को उसी तरह से डाइवर्ट कर देता है, और जब नहीं करना होगा तो उनकी बुद्धि को शुभ काम से पीछे धकेलता है। होता होगा तो वही जो परम पिता परमात्मा मानेंगे। ये दोष है, इन दोषों से मैंने आपको आज अवगत कराया कि एक नक्षत्र दोष पैतृक अभिशाप माना जाता है और किस तरह से एक नक्षत्र दोष में होने से ये दोनों भाई हैं, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और इनके पिता का साया इनके बचपन में ही उठ गया। दर्शकों जो होना था तो हो गया, अब आगे भगवान इनकी राह आसान करे, पालक के उपाय थोड़ा सा बता देने से अच्छा होगा। प्रबल पितृदोष है, नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। गुरु केतु का चंडाल योग है, चंडाल योग की शांति करानी चाहिए। सप्तम भाव पर शनि का राहु का शुभ प्रभाव है,
विवाह से पहले बालक को अर्क विवाह करना चाहिए और उसके बाद जो कन्या के साथ विवाह करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखो, अवश्य उसकी मंजिल आसान होगी। साधारण तौर पर उसको व्यवसाय मिलेगा, तकनीकी योग है, व्यवसाय मिलेगा एक अलग बात है, परेशानियों के साथ मिलेगा दूसरी बात है, परेशानी तो आएंगी लेकिन फिर भी राह आसान होगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए और एक नक्षत्र दोष के लिए उसको उपाय अवश्य करने होंगे, अगर उसने अपना घर अच्छी तरह से चलाना है तो करेगा तो तब जब भगवान चाहेगा, हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं हो सकता, भगवान की मर्जी होती है, उसी के आज्ञा से पत्ता हिलता है, जब वो चाहेगा तो अवश्य होगा। शायद उसकी मर्जी हुई होगी तो आज ये वीडियो मैं बना करके आपके सम्मुख डाल रहा हूं, नहीं तो उनको ये सब ज्ञान नहीं है। दर्शकों, मैंने आज के वीडियो में आपका बहुत ही एक अद्भुत और नए विषय के में आपका मार्गदर्शन किया, शास्त्रों के मुताबिक किया, अपने अनुभव के मुताबिक किया। मैं फिर कहूंगा कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो शेयर अवश्य करें, मेरा वीडियो आप लाइक करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मैं वास्तविक कुंडलियों को लेकर के आपको उदाहरण के साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा मैं हमेशा वीडियो बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल से दोष पितृदोष पूजा आयोजन की जाती है, जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, जिसको इच्छा है वो फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या विवाह के लिए बिना किसी शुल्क के गुण मिलान व्हाट्सएप द्वारा भेजकर अभिभावक की राह आसान करता है, जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। फिर कहूंगा दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फिर मैं आग्रह करना भी मेरा जरूरी है, आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी तरह से मैं वास्तविक कुंडलियां लेकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।